बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ कल से होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। सीएमआर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शुभारंभ करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांटेंगे 5 पट्टे, जेडीए के 2, नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर निगम के 1-1 पट्टे, हाउसिंग बोर्ड का 1 पट्टा वितरित किया जाएगा। इस समारोह का सभी निकायों में किया जाएगा सीधा प्रसारण। इसके लिए निकाय अपने कार्यालय में लगाएंगे बड़े टीवी स्क्रीन और इस दौरान निकाय में निकाय प्रमुख पार्षद मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय समारोह के बाद निकाय स्तर पर शुभारंभ होगा। निकाय स्तर पर इसके लिए 1:00 बजे आयोजित होगा समारोह और इस समारोह में प्रभारी मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस समारोह में पट्टा वितरण की प्रक्रिया की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 5 पट्टों को वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती और ऐसे में गांधी जी कहा करती थी कि गांव से विकास का रास्ता निकलता है। शायद उसी अवधारणा पर आगे बढ़ते हुए जेडीए के 2, नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर निगम के 1-1 पट्टे, हाउसिंग बोर्ड का 1 पट्टा वितरित किया जाएगा। मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पहले जानकारी कुछ ऐसी थी कि 21 पट्टों का वितरण मुख्यमंत्री के हाथों से होगा, अब इसकी तादाद को 5 कर दिया गया है, कोई खास वजह? बिल्कुल विजय, कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले 21 पट्टे जारी करना था लेकिन अब वो 5 पट्टे कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल की पालना के चलते, अन्य व्यवस्थाओं के चलते ये बदलाव किया गया है। अब 5 पट्टे ही जो है दिए जाएंगे सीएम के ओर से। उसके लिए बाकायदा जो 5 परिवार है उनको राज्य स्तरीय समारोह में बुलाया जाएगा और जो पट्टा जारी होगा वो पति और पत्नी दोनों के नाम पर होगा। बड़ी बात यह है कि पट्टे पर पत्नी का नाम पहले होगा। तो इस तरह से 5 परिवारों को पट्टे देंगे। इस पूरे अभियान का जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है, इसका लक्ष्य है कि पूरे अभियान के दौरान 10 लाख पट्टे बांटे जाएँ। लेकिन कल जो पहला दिन है जब इसकी शुरुआत होगी तो उसका सरकार का लक्ष्य है कि कल की तारीख में ही 1 लाख पट्टे जारी किए जाएँ। पहले दिन 1 लाख पट्टे का लक्ष्य अर्जित करते हुए ये काम सारा किया जा रहा है। यही कारण है कि अभी 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक तैयारी शिविर लगाए गए। इसमें सरकार ने निकायों को ये आदेश दिए कि जो पट्टा जारी होता है उस प्रक्रिया, उससे पहले की जितनी भी औपचारिकताएं, जितनी की प्रक्रिया है उनको आप इन 10 दिन में पूरा कर लें। उसके बाद जो 2 अक्टूबर पहला दिन आएगा उस दिन आपको 1 लाख पट्टे देने हैं, जिसमें जो जेडी है उसके पास अकेले के पास 10,000 पट्टे देने की जिम्मेदारी है। तो कल जो लक्ष्य है वो 1 लाख का है कि एक दिन में 1 लाख पट्टे जारी होंगे। ये जो अभियान है ये 31 मार्च 2022 तक चलेगा और अलग अलग फेजेस में चलेगा। ये 3 अलग अलग फेजेस में चलेगा। पहला जो है मुख्य फेज रहेगा जिसमें मुख्य शिविर लगेंगे, उसके बाद परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद फिर जो है फॉलोअप शिविर लगाए जाएंगे। इस तरह से रहेगा। और विजेंद्र, ये जो अभियान चल रहा है में सरकार की ओर से तमाम तरह की छूट दी जा रही है। इवन जो लोगों पे आर्थिक बोझ नहीं पड़े, लोग आसानी से पट्टा ले सकें, इसलिए जो ब्याज पेनल्टी है उसमें भी छूट दी जा रही है कि किसी कॉलोनी का अगर 4 साल पहले नियमन शिविर लग गया और किसी प्लॉट होल्डर ने अब तक अगर पट्टा नहीं लिया है तो उसको जो अब तक का जो ब्याज लगता था उसमें भी बड़ी राहत दी है। तो कई तरह की राहत दी है। और मैं विजेंद्र आपको बता दूं कि बड़ी बात इसमें यह भी है कि इस अभियान को देखते हुए जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, जो निकायों की लीज पर जो बड़ी संपत्तियां चल रही हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे होटल हो, या जो है पेट्रोल पंप हो, इस तरह की जो बड़ी लीज पर दी गई जमीनें चल रही हैं जो किराए पर, उनके भी नियमन की तैयारी की है और इसके बाकायदा आदेश भी जारी कर दिए हैं। और ये कह दिया गया है कि ये जो बड़े संपत्ति है, जो 750 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के जो मामले हैं, ये सरकार स्तर पर ही डील होंगे। सरकार केस टू केस इसमें फैसला करेगी। लेकिन ये भी इसमें एहतियात बरती गई है कि जो बड़ी संपत्तियों के मामले हैं ये नियमित होने से पहले इनको देखा जाएगा कि कहीं उस जमीन की रिक्वायरमेंट जनता के उपयोग के लिए तो नहीं है, कोई सड़क के लिए तो नहीं है या फुटपाथ के लिए तो नहीं है, और क्या ऐसी एडिशनल लैंड है जिसको निकाय अपने कब्जे में लेके नीलाम कर सकता है। तो इस तरीके तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका नियमन किया जाएगा। इसके अलावा जो 750 वर्ग मीटर से छोटे जो मामले हैं, जो छोटी भूमि पर हैं, उनके भी नियमन के आदेश दिए गए हैं। और इसमें बाकायदा एक टैरिफ तय किया गया है कि 26 नवंबर 1950 से लेकर इस तरह से आज तक का पूरा जो है स्लैब तय किया गया, उस स्लैब के हिसाब से अलग अलग फेजेस में ये किया जाएगा। वहीं अगर हम जयपुर की बात करें, पृथ्वीराज नगर योजना, इसमें भी जो नियमन की बाधाएं आ रही थी उनको भी दूर किया गया है। और जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें भी सरकार ने इस नियमन का जो अभियान चल रहा है, बड़ा अभियान चल रहा है, इसको देखते हुए स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट दी है। पिछली बार जो
अभियान चला था वर्ष 2012 में, उस दौरान जो पट्टे बांटे गए थे वो 5 लाख बांटे गए थे। इस बार जो लक्ष्य है वो दुगना रखा गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि जो पट्टा है जो 2 लाख इस बार जो दुगना किया गया है, तो इस बार जो आय का जो लक्ष्य रखा गया निकायों की वो रखा गया है 5,000 करोड़ का, और लास्ट टाइम ये हुआ था 3,000 करोड़ का। तो आने वाला जो ये अभियान रहेगा एक चलेगा और उसमें कई तरह की जो है रियायतें दी गई है ताकि लोग अधिक से अधिक पट्टा ले सकें। जी अगर जयपुर की बात करें हम सिर्फ, तो जयपुर में दो सवाल हैं जो लोगों के जहन में। पहला सवाल तो ये कि 21 विभाग एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या वो वार्ड दर वार्ड जाएंगे या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तारीख पर वो मिलेंगे या फिर उनके लिए कोई एक अलग से फिक्स जगह है। दूसरा सवाल ये कि क्योंकि 21 विभाग हैं तो सारे काम पट्टे से तो जुड़े नहीं होंगे, बाकी भी काम होंगे, वो कैसे होंगे? देखिए जो ये अभियान चलेगा इस दौरान जो निकायों के काम के अलावा पट्टा देने के अलावा भी और भी काम होंगे, निकायों से जुड़े और भी काम होंगे। इसके अलावा पानी बिजली के विभाग भी रहेंगे, और भी विभाग रहेंगे, तो उनके भी कर्मचारी उस दौरान उसमें मौजूद रहेंगे, तो उनसे जुड़े काम भी होंगे। तो एक साथ पूरे शहर से जुड़े जो भी काम है, शहर या शहर से जुड़े जितने भी काम है, उन सबके अधिकारी और कर्मचारियों का स्टाफ वहाँ रहेगा ताकि लोगों को सुविधा हो। तो लेकिन जो बड़ा उद्देश्य है इसमें अधिकतम जो है पट्टे जारी करने का है जो भी मौके पर बैठा है। लेकिन इसमें जो है मास्टर, ये सरकार ने हिदायत दी है कि जो मास्टर प्लान है, जोनल प्लान है, सेक्टर प्लान है, उसके अनुसार ही जो नियमन करना है, और जहां पर जोनल प्लान बनाने की अनिवार्यता नहीं है उन इलाकों के लिए भी सरकार का यह कहना है कि पहले आप बाकायदा सर्वे कराएं, लेआउट प्लान कराएं, लेआउट प्लान बनाएं, उसके बाद उनको पट्टा दें। तो ये जो पूरा अभियान है ये 31 मार्च 2022 तक चलेगा। पिछली बार भी अभियान की एक तिथि तय की गई थी लेकिन बार बार उस अभियान को बढ़ाया गया, तो इस बार भी उम्मीद यही है कि इस अभियान को 31 मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। जी अभिषेक शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।